गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 11.3 पॉइंट थ्री ऑफ चैप्टर इलेवन पैरामीटर एंड एरिया सो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज इलेवन पॉइंट थ्री के क्वेश्चन ट्वेल्व तक डिस्कस कर लिए थे नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द रिमेन्ग कट इज क्वेश्चन नंबर थर्टीन फोर्टीन फिफ्टी सिक्सटी ना सेवनटीन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन से अ सर्कुलर फ्लार बेड इज बाय पाथ pi मीटर वाइड सो दीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज सिक्स में गिवन है कि एक सर्कुलर फ्लावर बेड है जो कि सराउंडेड है किससे पाथ से जिसकी हमें क्या दे रखी है फोर मीटर ब्रेथ गिवन है नाउ द डायमीटर ऑफ ऑफ द

तो ये हमारी क्या आ गई रेडियस ऑफ फ्लावर बेड दैट इज थर्टी थ्री मीटर एरिया फाइन करेंगे एरिया ऑफ फ्लावर बेड पाई आर स्क्वायर एरिया क्या होगा फ्लावर बेड तो का पाई आर स्क्वायर न पाई की वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर इन टू रेडियस कितने so, गिवन है थर्टी थ्री हमने डायमीटर का हाफ करा तो हमारी रेडियस आ गई थर्टी थ्री तो थर्टी थ्री का स्क्वायर सो थर्टी थ्री का स्क्वायर कितना होता है वन थाउजेंड एटी नाइन जिसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे थ्री पॉइंट वन फोर पाई की वैल्यू से तो कितना आ जाएगा हमारे पास थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड नाइनटीन पॉइंट फोर सिक्स मीटर नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ फ्लावर बेड एंड पाथ टुगेदर अब हम क्या करेंगे एरिया फाइंड करेंगे फ्लावर बेड का प्लस पाथ का दोनों का सो द रेडियस ऑफ फ्लावर बेड विथ पाथ एंड पाथ टुगेदर और क्या फाइंड करेंगे रेडियस ऑफ फ्लावर बेड एंड पाथ टुगेदर सो हमारे पास रेडियस क्या आई थी फ्लावर बेड की थर्टी थ्री प्लस प्लस

सो एरिया ऑफ फ्ला एंड पाथ टुगेदर क्या होगा अगेन पायर स्क्वायर पाई की वैल्यू ली हमने थ्री पॉइंट वन फोर इंटू अब आर क्या आएगा हमारे पास थर्टी सेवन थर्टी सेवन थर्टी सेवन आएगा क्योंकि हमको फाइन करना है एरिया ऑफ फ्लावर एंड पाथ टुगेदर दोनों का फाइन कर रहे हैं तो रेडियस हमने हम फाइन करी रेडियस फ्लाबैड और पाथ की कितनी है हमारे पास थर्टी सेवन तो अब क्या रखेंगे हम आर की जगह थर्टी सेवन का स्क्वायर थ्री पॉइंट वन फोर इंटू थर्टी सेवन का स्क्वायर कितना होता है वन थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी नाइन इसको इंटू कर देंगे तो कितना आएगा फोर थाउजेंड टू हंड्रेड नाइन मीटर बेड एंड पाथ का टुगेदर फाइनली एरिया ऑफ पाथ अब हमको क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ पाथ फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे जो हमने एरिया निकाला है फ्लावर बेड और पाथ टुगेदर का उसमें से एरिया ऑफ फ्लावर बेड का माइनस कर देंगे अगर एरिया ऑफ फ्लावर बेड और पाथ दोनों में से एरिया ऑफ बेड माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास पाथ का रह जाएगा सो एरिया ऑफ फ्लावर बेड एंड पाथ का कितना निकला हमारे पास फोर थाउजेंड टू हंड्रेड नाइन सिक्स एरिया ऑफ फ्लावर बेड का कितना निकला थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइनटीन पॉइंट फोर सिक्स माइनस कर देंगे तो कितना आया एट सेवेंटी नाइन पॉइंट टू जीरो मीटर स्क्वायर तो ये हमारा क्या आ गया एरिया ऑफ पाथ नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर्टीन अ सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज़ एन एरिया ऑफ थ्री फोर्टीन मीटर स्क्वायर अ स्प्रिंकल एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर एन एरिया दैट हैज अ रेडियस ऑफ ट्वेल्व मीटर सो विल द स्प्रिंकल वॉटर द इंटायर गार्डन एंड टेक पाईल्स टू थ्री पॉइंट वन फोर क्वेश्चन फोर्टीन में क्या गिवेन है कि एक सर्कुलर फ्लावर गार्डन है जिसका एरिया हमें गिवेन है कितना थ्री फोर्टीन मीटर स्क्वायर और गार्डन में सेंटर में क्या लगे हुए हैं स्प्रिट लगे हुए हैं जो कि एरिया कवर कर रहे हैं जिनकी रेडियस कितनी है ट्वेल्व मीटर सो हमसे पूछा है कि विल द स्प्रिंकल वाटर द एंटायर गार्डन जो स्प्रिंकल है वो पूरे गार्डन को वाटर कर पाएंगे क्या सो so, सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर गार्डन हमें गिवन है थ्री हंड्रेड फोर्टीन मीटर स्क्वायर देन स्प्रिंकल एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर एन एरिया जिनकी हमें रेडियस गिवन है कितनी ट्वेल्व मीटर जो स्प्रिंकल सेंटर में लगे हुए हैं गार्डन के उनके रेडियस कितने केविध हैं ट्वेल्व मीटर न एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर गार्डन तो अब हम क्या फाइन कर सकते हैं एरिया फाइन कर सकते हैं सर्कुलर फ्लावर गार्डन का सो सर्कुलर है तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाय आर स्क्वायर और हमें इस एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर गार्डन दे रखा है थ्री हंड्रेड एंड फोर्टीन तो थ्री हंड्रेड एंड फोर्टीन किसके इक्वल हो गया पाय आर स्क्वायर सो थ्री फोर्टीन इक्वल्स टू पाई की वैल्यू कितनी रखनी है हमें थ्री पॉइंट वन फोर इन आर स्क्वायर आर हमें पता नहीं है यहाँ से आ रहे स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं थ्री फोर्टीन को डिवाइड करेंगे थ्री पॉइंट वन फोर से तो कितना आएगा हंड्रेड आ गया यहाँ पर क्या चल रहा है हमारे पास आर स्क्वायर चल रहा है स्क्वायर को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा जब हम स्क्वायर को यहाँ से रिमूव करेंगे तो हंड्रेड पर क्या चला जाएगा स्क्वायर रूट और हंड्रेड का स्क्वायर रूट कितना होता है प्लस माइनस टेन तो प्लस माइनस टेन होगा तो नेगेटिव वैल्यू हम ले नहीं सकते तो आर की हम क्या लेंगे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो रेडियस क्या आ गई हमारे पास टेन मीटर सो द रेडियस ऑफ द सर्कुलर फ्लावर गार्डन इज़ टेन मीटर सिंस द स्प्रिंकल कैन कवर एन एरिया ऑफ रेडियस ट्वेल्व मीटर ये तो हमारे पास क्या आ गई रेडियस आ गई सर्कुलर फ्लावर गार्डन की दैट इज़ टेन मीटर जो स्प्रिंकल है वो कवर कितना कर रहे हैं कवर कर रहे हैं एरिया जिनकी रेडियस कितनी गिवन है हमें ट्वेल्व मीटर और हमें फाइन करना है कि जो स्प्रिंकल्स हैं पूरे गार्डन को वॉटर कर पाएंगे क्या So, हमारे पास रेडियस साइड सर्कुलर फ्लावर गार्डन की टेन मीटर जबकि स्प्रिंकल जो एरिया कवर कर रहे हैं उनकी रेडियस गिवन है हमें ट्वेल्व मीटर सो रेडियस सर्किल गार्डन की टेन है और स्प्रिंकल की क्या है उससे ज़्यादा है तो डेफिनेटली जो स्प्रिंकल्स होंगे वाटर द एंटायर गार्डन वो क्या करेंगे पूरे गार्डन को वाटर कर देंगे इनर एंड आउटर सर्कल शो शोन इन फिगर हमें एक फिगर गिवन है जिसमें हमें इनर एंड आउटर सर्किल गिवन है हमें क्या फाइंड करना है उनकी सर्कम फेरेंस फाइन करनी है और हमें पाई की वैल्यू कितनी लेनी है थ्री पॉइंट वन फोर सो फ्रॉम द फिगर रेडियस ऑफ इनर सर्किल रेडियस क्या होगी इनर सर्किल की आउटर सर्किल रेडियस माइनस टेन अगर हमें इनर सर्किल की रेडियस फाइंड करनी है तो क्या करना पड़ेगा जो आउटर सर्किल की रेडियस है उसमें से माइनस कर देंगे क्या टेन तो आउटर की क्या है हमारे पास नाइनटीन नाइनटीन में से माइनस करा टेन तो हमारी इनर की आ जाएगी तो नाइन्टीन में से माइनस करा टेन तो कितना है नाइन मीटर तो ये क्या आ गई हमारे पास रेडियस आ गई इनर सर्किल की नाउ सर्कम फेरेंस ऑफ द इनर सर्किल अब हम सर्कम फेरेंस फाइन कर सकते हैं इनर सर्किल की टू पाई आर और सर्कम फेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर्किल का टू पाई आर तो टू इन टू पाई की वैल्यू लेनी है थ्री पॉइंट वन फोर और आर कितनी निकाली हमने इनर सर्किल की नाइन इंटू नाइन सॉल्व करेंगे तो कितना नाउ रेडियस मीटर कर सकते हैं तो सर्कम फेरेंस फाइन करेंगे तो सर्कम फेरेंस तो क्या आएगी हमारी फॉर्मूला क्या होता है टू पाई आर आउटर सर्किल की रेडियस हमें गिवन है नाइनटीन तो आर की जगह क्या रख देंगे, 19 रख देंगे तो टू इंटू थ्री पॉइंट वन फोर इंटू नाइनटीन सॉल्व करेंगे तो कितना आया वन हंड्रेड एंड पॉइंट थ्री टू मीटर तो ये क्या आ गई हमारी सर्कम्फेडेंस ऑफ आउटर सर्किल दैट इज वन हंड्रेड नाइनटीन पॉइंट थर्टी टू थ्री टू मीटर और सर्कम्फेडेंस आ गई हमारी इनर सर्किल की फिफ्टी सिक्स पॉइंट फाइव टू मीटर नाउ क्वेश्चन सिक्सटीन है हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस ट्वेंटी एट सेंटीमीटर मस्ट टू गेट थ्री फिफ्टी टू मीटर एंड टेक इक्वल्स टू ट्वेंटी टू डिडेड सेवन सिक्सटीन में क्या बोला है कि हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील एक व्हील कितने टाइम्स जो है रोटेट करेगा जिसकी रेडियस कितनी कितने ट्वेंटी एट सेंटीमीटर टू गो थ्री फिफ्टी टू मीटर कितने रोटेट लेने के लिए थ्री फिफ्टी टू मीटर उसको कितने जाना है थ्री फिफ्टी टू जो है डिस्टेंस रखिए उस डिस्टेंस तक जाने के लिए एक व्हील जिसकी रेडियस ट्वेंटी एट सेंटीमीटर है उसको कितने टाइम्स रोटेट करना पड़ेगा सो गिवन क्या है रेडियस गिवन है हमें व्हील की दैट इज ट्वेंटी एट सेंटीमीटर सरकम फेरेंस फाइल कर सकते हैं व्हील का टू पाई आर आर गिवन है हमें तो टू इंटू पाई की वैल्यू कितनी लेनी है ट्वेंटी टू डिड सेवन क्वेश्चन में बोला है इंटू आर की वैल्यू है ट्वेंटी एट सो सेवन से ट्वेंटी एट कितना टाइम जाएगा फोर टाइम चला जाएगा ना सॉल्व करेंगे तो कितना वन सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर तो ये हमारी क्या आ गई सरकम फेरेंस आ गई व्हील की करने है के. तो टोटल भी करवर, कर रहा उसको हम डिवाइड कर देंगे जो हमने सर्कमेंस निकाली है व्हील से तो टोटल डिस्टेंस उसको कितनी कवर करनी है थ्री फिफ्टी टू उसको हमने डिवाइड कर दिया सर्कम्फेन्स जिससे जो हमने निकाली है वन सेवेंटी सिक्स तो जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स आएगा टू हंड्रेड टाइम्स उससे पहले हमने क्या करा डिवाइड करने से पहले जो थ्री फिफ्टी टू था वो हमारा मीटर में था और वन सेवेंटी सिक्स हमारा किस में था सेंटीमीटर में ना तो सबसे पहले या तो इस पूरे को हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या इस पूरे को हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हमने इसको किस में कन्वर्ट करा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा सो so, फिर देखो 352 मीटर है तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और हम जानते हैं कि वन मीटर किसके इक्वल हंड्रेड सेंटीमीटर के तो 352 फिफ्टी टू को इंटू कर देंगे किससे हंड्रेड से तो कितना आ गया 35,200 दो जीरो आ जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर में और 176 हमारा ऑलरेडी सेंटीमीटर में है ना दोनों जो वैल्यूज है हमारी सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो चुकी है ना अब डिवाइड कर सकते हैं जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी टू सो दैट मीन्स कितने टाइम्स व्हील को रोटेट करना पड़ेगा टू हंड्रेड टाइम्स रोटेट करना पड़ेगा कितना डिस्टेंस कवर करने के लिए थ्री फिफ्टी टू मीटर क्लॉक इज फिफ्टीन सेंटीमीटर लॉन्ग हाउ फार टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन वन आवर टेक बाई इक्वल्स टू थ्री पॉइंटीन में क्या गिवन है हमें हमे? हैंड ए सर्कुलर क्लॉक की वो कितनी है फिफ्टीन सेंटीमीटर लॉन्ग है तो हमें बताना है कि वो हाउ फार ड द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन वन आवर कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा टिप ऑफ द मिनट हैंड कितना मूव करेगा वन आवर में हमें पाई की वाली कितनी लेनी है थ्री पॉइंट वन फोर गिविन क्या है लेंथ गिवन है लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द सर्कुलर क्लॉक हमें फिफ्टीन सेंटीमीटर दे रखी है हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रैवल बाय द टिप ऑफ मिनट हैंड इन वन आवर जो वो मिनट हैंड है उसकी जो टिप है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वन आवर में सो so, क्या करेंगे सर्कम ऑफ द सर्कल फाइन करेंगे सो दैट इज़ टू पाई आर सो टू इंटू पाई की वैल्यू कितनी थ्री पॉइंट वन फोर और आर हमें गिवन है कितना फिफ्टीन ना सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा नाइन्टी फोर पॉइंट टू सेंटीमीटर तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो वन आर में नाइन्टी फोर पॉइंट टू सो जब हमने जो डिस्टेंस फाइंड करा है उसका तो उसके लिए हमने सर्कम फेर ऑफ क्लॉक क्लॉक क्यों लिया है क्योंकि जब वन आवर कंप्लीट करेगी तो वन आवर के लिए वो क्या है वो पूरा एक सर्कल एक चक्कर काटेगी जो जो कि कितना होता है हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर होता है सो टू आई आर इसलिए हमने लिया है हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई डिस्टेंस की नाइन्टी सेंटीमीटर सो so, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सेवनटींथ खत्म होता है और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज इलेवन भी खत्म होती है नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज इलेवन पॉइंट फोर डिस्कस करेंगे